हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री सरदाना, बोल बोल बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की। जी हाँ, कंगना रनौत ने वेडनेसडे के दिन इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अपना थ्रोबैक पिक्चर बिकनी वाला पोस्ट किया है जो कि मेक्सिको का है। और इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद उन्होंने कैप्शन किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस आई हैव विजिटेड इन माई लाइफ, मेक्सिको। बता दें कि जो पिक्चर है मेक्सिको के टुलुम आइलैंड की है, जिस पिक में कंगना रनौत रेड कलर की बिकनी में नजर आ रही है, कर्ली बाल एज यूजुअल इस पिक्चर में उनके नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जैसे ही कंगना रनौत ने इस पिक्चर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, कंट्रोवर्सी पता नहीं क्यों कंगना रनौत का साथ नहीं छोड़ती दोबारा शुरू हो गई। कई सारे लोगों ने कंगना रनौत के इस पिक्चर का जो है विरोध किया, कहा कि कंगना रनौत को इस तरीके की जो पिक्चर्स है इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट नहीं करने चाहिए। तो कई लोग जो है कंगना रनौत के सपोर्ट में, फेवर में भी सामने, उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत एक एक्ट्रेस ना होती, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होती, तो क्या उन्हें हक नहीं था कि इस तरीके की पिक्चर वो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करें। बता दें कि कंगना रनौत बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है, स्पेशली लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ के बाद। उन्होंने खुलकर जो है नेपोटिज्म के ऊपर बात की है, उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर खुलकर बात की है, ड्रग रिलेटेड मामले में उन्होंने कई सारे एक्टर्स के खुलकर जो है नाम लिए हैं। मुंबई को उन्होंने यहां तक कि पीओके कह डाला, जिसके बाद संजय राउत के साथ उनकी बहस काफी बढ़ गई और बीएमसी की ओर से इलीगल डेमोलिशन भी उनके ऑफिस का किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने जो कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में देना ना भूले।